नाम है, वो क्या नाम है यहाँ पे, श्री सामेद शिखर जी। क्या नाम है? श्री सामेद शिखर जी। ये क्या है? जगह का नाम है। ये जो जगह मैंने आपको लिखी है, ये जगह आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? झारखंड के अंदर। कहाँ है ये जगह? झारखंड के अंदर आपको ये जगह मिलेगी। कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगी? गिरिधर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ये एक होली प्लेस है, ये एक होली प्लेस है। कौन से रिलेशन के लिए? जैनिज्म के लिए। क्या है ये? एक होली प्लेस है। किसके लिए? जैनिज्म के लिए, जो कि आपको झारखंड के अंदर देखने को मिल रही है। फाइन, अब इस जगह को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इको टूरिस्ट प्लेस। इस जगह को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? इको टूरिस्ट प्लेस। लेकिन जब इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर किया गया, तो जो जैनिज्म कम्युनिटी थी उनसे नहीं पूछा गया, जो ये जैनिज्म है इनसे नहीं पूछा गया, और बिना पूछे इसको एक टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया। तो पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि भाई जब ये एक होली प्लेस है तो आपने इसको टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर क्यों किया? इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए, झारखंड की सरकार को ये मांग चल रही है। अब ये जो जगह है, ये हमारे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोटेस्टेंट, और ये जो जगह अभी मैंने आपको बताई है, इस जगह के बारे में कुछ और फैक्ट है जो आप यहाँ पे जान लीजिएगा। ये जगह कहाँ पर है? पारसनाथ हिल। कौन सा हिल है? पारसनाथ हिल्स। ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां आपको देखने को मिल रही है, ये जो आप पहाड़ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कौन से? ये हिल्स हैं यहाँ पर, ओके। और ये हिल्स माना जाता है हाईएस्ट हैं, सबसे ऊंचे हैं, कहाँ के? झारखंड के। कहाँ के? झारखंड के। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थांकर आपको देखने को मिलते हैं। तीर्थांकर मतलब टीचर्स, जिनमें से 20 जो तीर्थांकर थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी। इनको मोक्ष की प्राप्ति इसी जगह पर हुई थी। ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे जो मैंने पारसनाथ हिल्स लिखा हुआ है, तो ये जो पारसनाथ हिल्स है, तो ये नाम भी तो है जो हमने पढ़ा है। तो ये थे 23rd नंबर के तीर्थांकर। ये कौन थे? 23rd नंबर के तीर्थांकर थे। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली जगह से हमें क्या क्या याद रखना है? ये जगह कहाँ पर है? झारखंड में। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ हिल है, जो कि हाईएस्ट है किसका? झारखंड का। यहाँ पे कितने तीर्थांकर थे जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी? 20 थे। दिस इज अ होली प्लेस, ओके। ये तो हो गई एक जगह। दूसरी जगह यहाँ पे आपके सामने है, जो कि गुजरात में है, है ना, जो कि गुजरात में है। अब ये कौन सी जगह है भाई? ये जो गुजरात में है, ये कौन सी जगह है? देखिए, गुजरात के अंदर ये पारसनाथ हिल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लॉयर गुजरात वाली फोटो कहाँ गई? ये रही गुजरात वाली फोटो। तो यहाँ गुजरात वाली जो आपको फोटो नजर आ रही है, ये जगह कौन सी है? पालिताना, पालिताना सिटी ऑफ टेंपल्स। कौन सी जगह है? पालिताना सिटी ऑफ टेंपल्स। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, है ना। अब देखो गुजरात के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई। गुजरात के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो पालिताना टेंपल या फिर शत्रुंजय हिल्स, कौन से हिल्स? शत्रुंजय हिल्स जो है, यहीं पर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम है पालिताना टेंपल, ओके। ये कहां पर है? तो ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर ये जो लोकेशन है, ये कहां पर है? भावनगर। कौन सी जगह है? भावनगर। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो हिल्स हैं, यहाँ का सीसीटीवी फुटेज जब लॉन्च किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग की जा रही है। इलीगल तरीके से यहाँ पे माइनिंग की जा रही है, जिसकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे गुजरात की सरकार को काम करना चाहिए। ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के लिए? क्योंकि ऋषभदेव, नाम सबने सुना होगा, ऋषभदेव जो कि कौन थे? फर्स्ट तीर्थांकर, यहाँ पे हम कह सकते हैं। कौन थे भाई? फर्स्ट तीर्थांकर। इन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरमोन, ये कहाँ पे दिया था? ये इसी पहाड़ी के ऊपर दिया था, ये इसी पहाड़ी के ऊपर दिया था, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जगह कहाँ पर हैं, कौन सी पहाड़ियों पर हैं, कौन से स्टेट में हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन दोनों को क्या करना चाहिए, अपने अपने स्टेट में काम करना चाहिए। अच्छा, जब हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम जैनिज्म की बात करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि बात हो रही है कब की? सिक्स्थ सेंचुरी की। लॉर्ड महावीर, कौन है? लॉर्ड महावीर, जिनका सिंबल क्या हो जाएगा? लाइन। इनका सिंबल आपको देखने को मिलता है। टोटल कितने तीर्थांकर? 24 वाले कौन से हो जाएंगे? महावीर स्वामी। चलिए बताइए, वर्धमान महावीर, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म कहां पर हुआ था? नेम द प्लेस। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? देखें जरा कौन कौन बता पाता है, बताओ। तो तक आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। कहां रह गए? पावापुरी। नहीं, राजेश, बिल्कुल सही। सबसे पहले राजेश का आंसर आया था। इसका आंसर क्या होगा? कुंदा ग्राम। क्या हो जाएगा? कुंदा ग्राम, ओके। अंग्रेजी वालों, ग्रामा मत पढ़ लियो, अंग्रेजी में लिखते हैं, पता चला पढ़ डालो इसको। वर्धमान जी को या फिर वर्धमान महावीर जी को और किस नाम से जाना जाता था? तो जिना के नाम से भी इनको जाना जाता था। अगला, इनसे जुड़े हुए 5 आपको टीचिंग्स देखने को मिलते हैं, और ये जो टीचिंग्स हैं वो क्या है? सबसे पहले अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, सत्य दूसरा हो जाएगा, आचार्य तीसरा हो जाएगा, चौथा क्या होगा? नॉन अटैचमेंट, और पांचवा क्या हो जाएगा? वो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। ये जो जैनिज्म है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से दो पार्ट हो जाएंगे? दिगंबर एंड श्वेतांबर। सबसे पहले तीर्थांकर की अगर हम बात करें जैनिज्म के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ये कौन होंगे? ऋषभदेव, अभी मैंने आपको बताया था। 24 तीर्थांकर जैनिज्म के अंदर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। अगला है, जैनिज्म को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, किसके साम्राज्य में या फिर किसके समय पर ऐसा होता है? तो मौर्यंस के समय पर ऐसा होता है। जैनिज्म के अंदर आपको दो काउंसिल्स देखने को मिलती है, और ये दोनों काउंसिल्स कहां कहां पे होंगी? एक होगी पाटलिपुत्र में, एक होगी पाटलिपुत्र में, और जो दूसरी वाली काउंसिल है वो कहां पे होगी? वल्लभी। कहां पे? वल्लभी के अंदर होगा, ओके। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों काउंसिल्स। चलिए, ये कौन है भाई? ये कौन है? आज सबके सब लेट हो गए, सबके मैसेज यही आ रहे हैं।